अरफात आज घर में कुरान खानी हो गई? अच्छे से हुई? कैसा लग रहा है आपको न्यू घर में आकर? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आज है हमारा हाउस टूर। जो घर में हम अभी शिफ्ट हुए हैं उसका ये टूर है, और जो घर में हम लोग पहले रहते थे उसका टूर मैं आपको या तो शिफ्टिंग के बाद बता दूंगी या तो अभी अभी बता दूंगी, मतलब एक दो दिन में। सो कहाँ से स्टार्ट करें मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर क्यों? आई थिंक वॉइस वो हो रही ना अपनी, एको इसलिए हो रही है क्योंकि घर में कुछ भी सामान नहीं है अभी। और आज ही हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी हुई है, और अच्छा मतलब खुश है हम लोग। अभी नए घर में आते तो खुश होते हैं ना, तो बस खुश है, इतनी खुशी। अभी चलो फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग मतलब इतना बोलते रहते हो हाउस टूर दो, हाउस टूर दो, हाउस टूर। भाई साहब इतने मैसेजेस आते हैं, मतलब इन द केस मिस्टर राजू रस्तोगी। यस सर। कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? क्यों देखना घर मतलब हो सकता है सबको ऐसे चूल होती है। कट कर देना प्लीज। जब मैं कोई सेलिब्रिटी को देखती हूँ या किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका घर कैसे होगा ना, ये लोग कितना लैविश रहते होंगे, ये वो ऐसा मतलब मुझे। लेकिन सबकी लाइफ ऐसी नॉर्मल ही होती है, ऐसे सुबह में उठ के सब खाना ही खाते हैं, रात में सोते ही है, तो सबका चीजें सिमिलर ही है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं ये बात बताना भूल गई थी गाइस कि जो हम घर में अभी रह रहे हैं वो एक हैवी डिपॉजिट का घर है, और जो घर में हम पहले रहते थे वो हैवी डिपॉजिट भी था प्लस रेंट था। बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं है ना, और उनको अगर रेंट नहीं भरना हो तो आपको हैवी डिपॉजिट का भी चॉइस मिलता है। दो साल वो घर में भी हम लोग हैवी डिपॉजिट पे रहे, और ये घर में अभी हम लोग पूरा हैवी पे आ गए, मतलब वहाँ पर रेंट भी भर रहे थे। तो चलो अच्छी बात है, अभी सेव करेंगे पैसा और खुद का घर बहुत जल्दी लेंगे इंशाल्लाह। बोलो भाई इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो जल्दी से घर दिखा देती हूँ आपको, और ये 2 BHK है, एंड इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, मेरा बचपन का ड्रीम था जो, तो वो भी चीज है, मैं आपको बताती हूँ ब्लॉग। तो आपने एंट्रेंस देख लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ गाइस मैं इतना दूर शिफ्ट हुई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब थक गए हम लोग, मतलब अभी बहुत ज्यादा थकने वाले क्योंकि कल से हम लोग का शिफ्टिंग, एक्चुअल शिफ्टिंग चालू होने वाला है, कपड़े वपड़े सब सब चीज आने वाली है। इधर हमें बताती वो देख वो मेरा घर है, और वहां से सिर्फ ये वाले घर में हम लोग आए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ अभी आओ, ये है हॉल ये देखो, ये है घर, ठीक है, ये हॉल है एक्चुअली। अच्छा। और ये बहुत अच्छा खासा बड़ा ह्यूज हॉल है, और ये अभी मैं नीचे से नहीं बताऊंगी गाइस आपको, क्योंकि अगर ये ओपन करके बहुत आवाज आ जाएगी, मेरा डांडिया चल रहा है। तो वो है, और ये यहाँ पर हमारा सोफा आएगा, ये फ्रेम्स ये पहले से लगी हुई थी, हमने नहीं लगाई, और ये हम लोग को फुल्ली फर्निश्ड मिला है। ये वॉशरूम, ठीक है, ये हॉल वाला वॉशरूम है, तो ये है वॉशरूम। अब ऐसे नॉर्मली देख लो, अभी अभी तो कुछ इतना ज़्यादा है ना वॉशरूम में, ठीक है। जाओ बताओ एक सेकेंड मैं दिखाऊँ लोगों को। ये है वॉश बेसिन, यहाँ पर है स्टोरेज का, आई थी ये स्टोरेज का है, और ये हूँ मैं, ठीक है। तो हम जैसे एंटर करते हैं हॉल से, हमारे पास ये वॉशरूम था, ठीक है। अब ये है रूम, ये मम्मी डैडी का रूम है, और यहाँ पर भी हम लोग ने सिर्फ इस पर चादर बिछाए है, और ज़्यादा कुछ नहीं किए है। ये लाइट एंकिंग चालू नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे वो वाले घर में भी मतलब ये ऐसे सेक्शंस थे, और अच्छा सा डाले। मेरे रूम में तो कबर्ड ही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ मेरे रूम में क्या है, कबर्ड ही नहीं है और फैन भी नहीं है ऐसा।
इसमें आप मतलब अपना सामान रख सकते हो। अब ये मुझे नहीं पता ये मंदिर था या क्या था एक्चुअल में, बट मैं ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मंदिर है, बट मुझे लग रहा है स्टोरेज रखने का सामान है, स्टोरेज रखने की प्लेस है। तो बहुत सारी ऐसे हैं यहाँ पर स्टोरेज रखने का। और चलो नेक्स्ट रूम में जाते हैं गाइस, मैं आपको अभी किचन दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारा किचन है, ये किचन का पूरा एरिया है। यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल आएगा जो वो वाले घर में है। ये है किचन, अभी बाहर बाहर से ही देखो क्योंकि यहाँ पर है ना कॉकरोच बहुत थे, तो हम लोग ने वो मारे थे तो उसका बहुत सारा स्मेल आएगा। बहुत तेज हो रहा है काला। अरे जो भी ये डाला था तो, हाँ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो कुछ ऐसा किचन है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टोरेज है, ये है और ऐसा कुछ है। यहाँ पर ओवन रखने का है और ये उनका ही है, ये वो लेकर जाएंगे। ये वॉशिंग मशीन भी उनकी है, वो लेकर जाएंगे और बाकी सब तो आपने देख लिया है। हाय अरफात, पढ़ाई हो गई आपकी? गुस्से में हो? नहीं। तो यहाँ पर ये टीवी यूनिट है और वो वाले घर में हमारे टीवी यूनिट मतलब यहाँ पर सोफा था तो सामने टीवी यूनिट था, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि टीवी यूनिट यहाँ पर है और सोफा वहाँ रहेगा। पता नहीं कैसा तो मैनेज करेंगे, बट कर लेंगे मैनेज, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मियाँ भाई का दिमाग और क्या था, घर में कोई तो है अंदर, ये देखो। तो गाइस ये है मेरा रूम और मैं चाहती हूँ मेरा रूम मैं खुद दिखाऊँ आपको। दिखाना। ये है मेरा रूम और यहाँ पर पीछे वॉशरूम है। पहले मैं आपको वॉशरूम बता देती हूँ, उसके बाद मैं रूम बताऊंगी, या पहले रूम बता देती हूँ। चलो तो ये रहा मेरा रूम, ठीक है। और यहाँ पर फैन ही नहीं है। तो ये हम लोग ने अभी लकीली हमारे पास ये था तो हमने ला के रखा है अभी टेबल फैन। और ये भी मिरर खराब है यहाँ पर, तो ये मुझे बनवाना पड़ेगा या उसको कुछ और करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये है यूनिट, यहाँ पर मैं मेकअप का सामान रख सकती हूँ अपना, अपने जो भी है चीज़ें रख सकती हूँ। और यहाँ पर स्टोरेज है, बहुत सारे स्टोरेज दिए हुए हैं घर में, बट मेरे बड़े बैग्स के लिए स्टोरेज नहीं है। और ये देखो यहाँ पर भी स्टोरेज है, यहाँ पर भी मेरे सारे परफ्यूम्स आ जाएंगे। और यहाँ से ये बाहर से ऐसा कुछ दिखता है, एक्चुअली यहाँ पर स्लम है नीचे तो शायद वो अभी नहीं दिख रहा रात में, बट मैं दिन का भी आपको बता दूँगी, है ना। तो दिस वॉज माई रूम, यहाँ पर मैं देखूँगी छोटा टीवी लगाऊँगी या नहीं, मुझे तो इतना है नहीं टीवी का, बट लेट्स सी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वॉशरूम। ये बात के लिए है, नहाना वहाना हो किसी को तो यहाँ पर सब कुछ लगे है। और यहाँ पर और भी स्टोरेज है हमारे पास, ये है ना। और ये झूमर लगाया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया है, पता नहीं क्यों, बाथरूम में कौन झूमर लगाता है भाई। और डू योर बिजनेस मैन, ऐसे हॉरर जैसी लाइट आ रही है, देखो भाई साहब डर रही हूँ मैं। और अभी मैं आपको सबसे ज़्यादा उस शिट, ये पीछे से गाना बज रहा है इसमें कुछ, मुझे लग रहा है कॉपीराइट आ जाएगा मेरे। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा सेक्सी चीज़ है और मतलब मेरा ड्रीम था वो, एक जो छोटी सी चीज़ों में पूरा हो गया, तो बताती हूँ मैं आपको। मगर ये लो इतने सारे लोग कैसे आ गए अपने पास है वॉकिंग वार्डरोब। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लो मैं बताती हूँ। तो ये रहा हमारा स्पेस, ठीक है। वॉल में बहुत सारे स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर भी स्टोरेज है और यहाँ पर एक फैन भी है, अगर मुझे यहाँ पर इन लोग बंद कर देंगे ऐसे तो मुझे अपने लिए फैन चालू करना पड़ेगा गाइस ऐसे। तो ये देखो यहाँ पर पूरी हर जगह मिरर लगाया है उन्होंने, मतलब इतना सेल्फ ऑब्सेशन।
ये रहा मेरा वॉकिंग वार्डरोब। एक बार मैं जब पूरा फिल कर दूंगी ना गाइस, तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा हाउस टूर और आई होप आपको ये घर अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट में माशाल्लाह बोलना, मुझे बहुत जल्दी नजर लगती है, मतलब नजर तो होती है लगने के लिए और बहुत जल्दी भी लग जाती है। तो गाइस प्लीज कमेंट में माशाल्लाह बोलना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो भी है, अगर मैं घर को खुद का भी घर लेती हूँ तो हो सकता है मैं आपके वजह से लूँ। पर अभी जो भी मैंने किया है अपनी लाइफ में, वो मैंने बहुत स्ट्रगल करके किया है, बहुत दुआएं मांगी है खुद के लिए। और यस, आप लोग भी जो मेरे साथ जुड़े थे इंस्टाग्राम पे, उनकी भी हेल्प थी। अभी यूट्यूब पे तो मुझे करना है काम, तभी आगे कुछ होगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फिर भी ऐसे ही सपोर्ट करना मुझे। और अगर आपको चाहिए कि मैं जब पूरा सामान मेरे घर में आ जाएगा, मैं पूरा मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सोफा और कपड़े वार्डरोब के सब 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 कुछ आ जाएगा, तो आपको हाउस टूर चाहिए, मुझे कमेंट में मतलब ऐसे बार 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 कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आपको तब हाउस टूर दूंगी अच्छे से। और अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही नॉर्मली जितना मुझसे हुआ है देखे। होप आपको ये पसंद आया होगा ब्लॉग। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बाहर ऐसे ये लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं अभी क्योंकि शिफ्टिंग है, तो ये लोगों को बुलाया हुआ है, तो ये लोग अभी हमारी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में हम लोग मोस्टली शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पर।